कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरें खास तौर से गेहूं के मार्केट से जुड़ी हैं। गेहूं में उत्पादन अनुमान घटने तक की खबरें सामने आ रही हैं। सरकार ने तीसरे अनुमान फसल सीजन 2023 से 24 जून जुलाई के लिए गेहूं उत्पादन अनुमान को संशोधित करके रिकॉर्ड 11 करोड़ 29 लाख टन के आसपास का कर दिया है। कृषि मंत्रालय ने मंगलवार के दिन उत्पादन जिसे दूसरे अनुमान से 9,01,000 टन से ऊपर की ओर संशोधित किया गया है। वह फसल वर्ष 2022 से 2023 में हासिल किए गए 11.55 लाख टन के पिछले रिकॉर्ड स्तर से भी ज्यादा है। मुख्य रबी यानी सर्दियों की जो फसल है उसमें गेहूं की कटाई हो चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा MSP पर 2.6 करोड़ टन से अधिक खरीदारी पहले की जा चुकी है। अपने तीसरे अनुमान में कृषि मंत्रालय ने फसल वर्ष 2023-24 के लिए चावल उत्पादन में पिछले वर्ष के 13.57 करोड़ टन से बढ़ाकर 13.67 करोड़ टन का अनुमान लगाया है। हालांकि कुल खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2022 से 2023 में प्राप्त स्तर की तुलना में थोड़ा कम है, यानी 32 करोड़ 88 लाख के आसपास का होने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन पिछले 5 वर्षों से औसत 30 करोड़ 70 लाख टन होने से 70 लाख टन से 2.11 करोड़ टन अधिक है। दालों में अरहर में उत्पादन भी पिछले साल के 33.1 लाख टन से बढ़कर 33.8 लाख टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मसूर का उत्पादन भी बाजारों में पिछले साल की तुलना में बढ़ा है, 17.5 लाख टन का उत्पादन या अनुमान है। तिलहन के मामले में सोयाबीन उत्पादन में 30 करोड़ 50 लाख टन और रैप सरसों बीज का जो उत्पादन है वो 1 करोड़ 31 लाख टन के आसपास का अनुमान बाजारों में लगाया जा रहा है। तो उत्पादन बाजारों में जो गेहूं का है प्रोडक्शन जो है वो घट चुका है, जिसका असर आपको आने वाले टाइम पे कीमतों पे देखने को मिलेगा। गेहूं में फिलहाल बहुत ज़्यादा गिरावट आने का अनुमान मार्केट में नज़र नहीं आ रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ मार्केट 24।